गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? मैं निशा निशा दक्षु ब्लॉग में दिल खोल के आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है शनिवार और तारीख है आज 24 फरवरी, और 2024 तो चल ही रहा है, तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को देखने के बाद या देखने से पहले लाइक कर देना। तो हो गई है सुबह और हमारी सुबह की शुरुआत भी हो गई है। देखिए दक्षु लगा रही है यहाँ पे झाड़ू। तो दक्षु आजकल सीख रही है काम करने के लिए, तो सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है। राव, हाँ यार दक्षु तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, 5 साल की हो गई ना, तभी काम करने लग गई है ना। 5 साल की हो गई तभी काम कर रही है, हैं? तो उस साइड में लेके चल। हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं बाग में। तो बहुत दिनों के बाद आपको बाग आके सैर कराने वाले हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद आपको खेती बाड़ी अपनी बरसी नरसी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से तो हम गायब थे। और अभी पहुंच गए, हम आए हैं आज बाकुली तोड़ने। तो नई सब्जी आजकल निकल आई है बाकुली की, और एक एक बार खा लिया है और तभी आए हैं। बहुत सारी बाकुली हो गई है, तो आज बाकुली की सब्जी बनाएंगे। और आपको दिखाऊं, देख रहे हो कितने सारे मटर हो रहे हैं। मटर के पेड़ है ये, मतलब कि मटर के नीचे नीचे खेत में तो सब देखे होंगे ना, और यहाँ पे मटर के पेड़ उगे हुए हैं। देख रहे हो कितने लंबे लंबे हैं। तो यहाँ पर हमारे गाँव में मटर के पेड़ भी होते हैं। हमारी दीदी है ना, तो दीदी ने कभी नहीं देखा था। तो दीदी कह रही है ऐसे लार तो मैं देखूँ रहा हूँ, ऐसे कभी मटरा के पेड़ ना देखूँ मैं। मैंने कहा भैया हमारे इतना मटर के पेड़ होते हैं, देख रहे कितने लंबे लंबे और गजब फरे हैं जी, गजब है मटर के पेड़। तो यहाँ बाकुली तोड़ लेते हैं भैया। किस किस को पसंद है बाकुली की सब्जी? हम तो यहाँ बाकुली ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, बताना कमेंट करके कि बाकुली ही बोलते हो या और कुछ बोलते हो। तो खूब सारी ये सारे बाकुली के पेड़ लगे हैं साइड साइड में, बरसीन के जो बीच बीच में ये मेड़ है ना, इसी में बो दिया था। तो यहाँ से तोड़ लेते हैं सब्जी के लिए बाकुली। तो अभी बाकुली तोड़ ली है बाकुली, और पता है जो मटर के पेड़ थे ना, उससे मटर भी तोड़ लिए हैं। तो ये बाकुली तोड़ ली है बाकुली, और ये बाकुली की सब्जी में हम डालेंगे बंद गोभी, और बंद गोभी मिक्स बाकुली की सब्जी बनाएंगे। धनिया ले लिया है, और ये मटर है जो हम कल सुबह बनाएंगे, और ये जो वो लगी हुई है ना पेड़ लगे हैं मटर के, उन्हीं पेड़ों से तोड़ लिए हैं मटर। बहुत अच्छे ये सब्जी हमारी हो गई है। तो आज बनाने वाले हैं बाकुली मिक्स बंद गोभी, बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ, और दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है। चलते हैं घर और बनाते हैं बाकुली की सब्जी। ओए जल्दी शौक लाग रहा हो बर्तन माजन को, हाय सरफ से माजे हो, और ओए हद है, इतो शौक सारे बर्तन तो भी माजी हो अब दोन जनी। यहाँ सानू बना रही है मैगी, यहाँ बना रही चाय, कोई बिना दूध वाली, अकेले अकेले मैगी खाने वाली है। देख रहे हैं बहुत अच्छी मैगी है। दस रुपया की मैगी में इतने आदमी देख रहे हो, एक दुई तीन चार, 10 रुपये की मैगी है, और जा में कितने आदमी खाएंगे देख रहे हैं मुझे। पागल
अब जाके चम्मच दे और देख रही है कटोरा में से। चम्मच ये है हमारी बाकली और इनको हम किनारे और आगे पीछे से तोड़ लेते हैं ऐसे करके आगे से पीछे से। सानू लगी हुई है बाकुली का की सब्जी तो हम बनाएंगे, जाएंगे बरसीन काटने के लिए। यहाँ हमारा भैंसों का मतलब जानवरों का खाना बन रहा है तो उसको जल्दी बना देते हैं नहीं तो वह लेट हो जाता है। और इसमें थोड़ी सी बंद गोभी भी काटेंगे तो इसको ऐसे आधी आधी तोड़ ले रहे हैं, जैसे ये पूरी है ना तो इसको आधा आधा तोड़ ले रहे हैं। और आग हमारी जल गई है, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से जला दी है, मेहनत तो थोड़ी लगी है आग जलाने में। और ये है हमारी कढ़ाई, कढ़ाई रख दी है और सब्जी अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं। पानी डाल दिया है, इसको अभी ढक देते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से उबल गया है हमारी सब्जी, देखिए पानी निकल गया है। तो इसमें मैंने हल्दी नमक नहीं डाला है तो इसका जो पानी होगा ना ये हम निकाल देंगे, क्योंकि जो बंद गोभी में बहुत ज़्यादा पानी होता है आपको तो पता ही है। तो इस बंद गोभी का पानी सब बाहर हो गया है तो इसको हम निकाल देते हैं। और हमने सारा पानी निकाल दिया है तो अब इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक डाल दिया है और डालेंगे इसमें हल्दी और इसको मिला देंगे, ढक देंगे। सब्जी हमारी तड़के के लिए तैयार है, बिल्कुल बहुत अच्छे से उबल गया है। बिल्कुल इसमें डाल दिया है मैंने धनिया, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल कढ़ाई में चिपक गया था तब मैंने इसे उतारा है। और कढ़ाई में हो गया है तेल गरम और कढ़ाई हमारी देख सकते हैं बहुत अच्छे से जल गई है, क्योंकि भैया आग में रखी है तो जलेगी तो है ही। और हमने प्याज काट लिया और ले लिए लहसुन की पत्तियाँ। तो हमारा तो ये नॉर्मल से तड़का रहता है, ज़्यादा मसाले हम डालते नहीं हैं, ज़्यादा मसाला खाते भी नहीं हैं और सिर्फ तो डालेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो हम यहाँ पे लगाते हैं नॉर्मल सा लहसुन प्याज और लाल मिर्च का तड़का। और लाल मिर्च डाल के तड़का हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गया है। इसमें डाल दिया धनिया, थोड़ी सी मेथी और लाल मिर्च। और यह है हमारी सब्जी और इसमें डाल के ढक देते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए ढकते इसलिए हैं, कहते हैं कि जो हमारा तड़का लगाया जाता है इसकी जो खुशबू होती है वो कहीं बाहर ना जाए, सब्जी में ही समा जाए, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया। और सब्जी में तड़का लग गया है, देखिए और यह हमारी बाकली और बंद गोभी की सब्जी बनके रेडी है। बिल्कुल सूखी सब्जी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इन दिनों की तो ये फेमस सब्जी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है और सबको ज़्यादा पसंद भी है। दाल के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ और हम यहाँ रोटी के साथ खाने वाले हैं। तो अब बना लेते हैं रोटी और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सब्जी के साथ। और ब्लॉग यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और जो न्यू है, जो नए इंसान जो हमारी सब्जियां देख रहे हैं और हमारा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और तो अभी आपसे अलविदा चाहते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।